किसान मित्रों नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार पटेल अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 पे आप सभी किसान मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को टमाटर की खेती बताऊंगा। टमाटर की खेती वो भी जाल विधि द्वारा, मतलब ये बनाए हैं भैया, अभी पहली बार किए हैं और छोटे बेस पे किए हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर किए हैं। तो भैया से अनुरोध करेंगे कि वो बताएंगे। भैया आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार जी, आप अपना नाम और परिचय, उसे नाम और परिचय के आप मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आप बता दीजिए। राधे श्याम वर्मा जी, ग्राम वारी खुर्द, पोस्ट कंजस राय गुलामी, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। जी जी, तो ये बताइए ये आपकी वैरायटी कौन सी है? अरे हमारी वैरायटी है अभिलाष। अभिलाष की है? नेनहंस की। जी जी, अभिलाष सेमिनेज की। अभिलाष सेमिनेज की? अभिलाष जी। सर मित्रों, ये सेमिनेज की आपकी अभिलाष वैरायटी है, तो आपने ये पहली बार लगाया है? हाँ, हमने इस तरीके से हमने पहली बार लगाया है। जी जी, बधाई करके जी। इसके पहले हम लगाते थे तो जमीन पर ही लगाते थे। तो जी जी, और बताइए। और आपकी बार इसको हमने बधाई करके लगाया है। जी जी। बधाई करने से जो है इसमें फल जो है बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, एकदम देखने में खूबसूरत फल आता है। अगर जैसे इस समय बारिश भी हो गई तब भी एक भी फल का आपका नुकसान नहीं होना है। बधाई में केवल थोड़ा सा समय लगता है। जी, अगर किसान भाई बधाई करके अगर टमाटर लगाते हैं जी जी, तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फायदेमंद बधाई के ही टमाटर से होता है। जी जी, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये बताइए, आप जैसे आप पहले आप जमीन पे लगाते थे, अभी आप पहली बार इसमें लगाए हैं, तो जमीन और इसमें क्या फर्क है और इसको क्यों करना चाहिए, ये थोड़ा सा आप बताइए। जमीन में और इसमें फर्क यही है कि जैसे जब पेड़ जमीन पर पूरी तरह से लिपट जाता है, अगर हल्की सी भी बारिश हुई और ठंड पीरियड में, तो सारे टमाटर जो है बिल्कुल धब्बे धब्बे टाइप में हो करके सड़न और गलन में सारे टमाटर नष्ट हो जाते हैं। कम से कम 70% टमाटर उसमें नष्ट हो जाता है, जिसमें इसमें इस प्रकार की किसी भी प्रकार को देखने के नहीं मिलेगा कि एक भी टमाटर आपका जो है इसमें सड़ा गला या नुकसान होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जमीन में आपका 70% नुकसान हो गया, तो 25% आप आएंगे तो कुछ नहीं पाए हैं, कुछ नहीं पाए फिर आपकी लागत निकलना मुश्किल हो जाए। जाल में भी बहुत खर्च नहीं पड़ता? नहीं, जाल में भी खर्च नहीं पड़ता है। जैसे सुतरी है, सुतरी भी बहुत महंगी नहीं है, और हमने तो जो है तार की जगह रस्सी लगा रखा है। और इसमें जो है केवल पौधे में नीचे बांध करके ऊपर की तरफ लटकाना होता है, ताकि जो है हमारा पौधा नीचे की तरफ ना गिरे। तो इसमें तो जैसे एक बार आप इसको बना दिए हैं, ये रस्सी तो आपका लगभग चल जाएगा, एक ये रस्सी लगभग 3 वर्ष चलती तीन, है तीन क्रॉप में चल जाएगा, तीन क्रॉप में आपका चल जाएगा आराम से। तो क्योंकि अब तो आपका नहीं पड़ेगा, नहीं नहीं धूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और महंगा भी नहीं पड़ेगा। फिर आपको लगभग 70% आप बता रहे हैं कि प्रॉफिट भी है, मतलब ज्यादा पैदावार है, 70% प्रॉफिट भी है, कोई दिक्कत? बिल्कुल बिल्कुल 70% प्रॉफिट। तो बात कर लेते हैं कि इसमें मुख्य रोग कौन कौन से लगते हैं टमाटर? इसमें मुख्य रोग जो है जैसे आता है अगैती झुलसा जी ना, और दूसरा नंबर आता है पर्ण जी, जो लुटरा टाइप होता है, पत्तियां जो है बटुर जाती है जी जी। और इसमें जो है एक आता है जो पत्तियां नीचे से जलती हैं, उसको क्या बोलते हैं? झुलसा में, झुलसा में ही जी उसको जी। और विस्तार से जी जी बोला जाता है कि वो जब नीचे से जलना शुरू हो जाती है तो उसमें जो है फ्रूट सेटिंग भी नहीं होता है जी जी। उसके लिए हमको और आपको विशेष देखरेख करना पड़ता है शुरुआत से ही। उसमें जो है हफ्ते 15 दिन में अगर आप उसकी दवा छिड़काव करते रहेंगे तो वो रोग नहीं है। तो बात कर लेते हैं इसकी नर्सरी आपने कब डाला था और कैसे डाला था? इसकी नर्सरी हमने लास्ट अगस्त में डाला था जी जी, और लगभग 20 से 25 सितंबर में जो है इसकी हमने रोपाई की, मतलब 21-22 दिन में तैयार हो गया। 21-22 दिन में पौधा तैयार हो गया। तो जब आपकी नर्सरी तैयार हो गई थी तो आप यहाँ पे लगाए थे इस पे, ये ड्रिप इरिगेशन पे शायद आप लगाए? हाँ, हम ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप से हमने जो है बहुत पहले से ही खेती कर रखा है, कम से कम 2 साल हो गया। अगर हम ड्रिप से खेती ना करें तो हम कर ही ना पाए, क्योंकि मेरे पास समय का बहुत अभाव है। तो ड्रिप लगाने से आपको फायदा हुआ है कि नहीं? ड्रिप लगाने से ही तो मेरी खेती चल रही है जी जी। नहीं तो हम कहाँ उसकी गुड़ाई निराई कर पाते। कहने का मतलब ये है कि इससे लगाने पे आपका देख रहे हैं कि घास भी नहीं। अगर हमने ड्रिप लगाया और मल्चिंग पेपर अगर बिछा दिया जी जी। तो ड्रिप लगाने और मल्चिंग पेपर का मतलब है कि हम निराई गुड़ाई हर चीज से हम मुक्त हो गए। केवल हमको यही देखना है कि इसमें हमको कब खाद डालनी है, इसमें हमको हमको कब फसल तोड़ना है, और इसमें किसी प्रकार की रोग ना आवे उसके लिए हमको इसको जो है हफ्ते
स्टेटमेंट करना है और बाकी हमको इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, इसीलिए तो हम सफल हैं कि थोड़ा बहुत खेती कर लेते हैं, नहीं तो अकेले हैं, टाइम का बड़ा अभाव है। नहीं, आपका है तो बहुत ज्यादा में भी नहीं कह सकते हैं, कम में भी नहीं कह सकते हैं, आप अकेले अगर करने वाले हैं तो आपके लिए ज्यादा ही है, क्योंकि अकेले अगर आप ड्रिप इरीगेशन पे कर रहे हैं तो इसलिए उसका फायदा आपको मिल रहा है, फर्टिलाइजर भी आप उसी से चला ले रहे हैं। जी जी, केवल स्प्रे के लिए भाई, वही थोड़ा स्प्रे के लिए बीच बीच में हफ्ते 10 दिन में भी अगर दिक्कत आती है तो भी आप दवा वहाँ से चला लेंगे। हाँ बिल्कुल, किसी प्रकार की दिक्कत है आप जो है वहीं से आप चला लेंगे दवा। तो ये बताइए, इसमें जैसे आपने नर्सरी लगाए थे तो उसके बाद आपकी कोई बाधाएं आई थी, कोई रोग लगा था या कौन रोग लगते हैं शुरू में? नहीं, शुरू में तो केवल ही झुलसा और जो है जो लुटरापन, यही दो ही रोग आता है। जी जी, जो पहले तो लुटरापन से आपको बचाना है, अगर लुटरापन से आप मुक्त हो गए तो वही झुलसा के लिए खतरा रहता है और बाकी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता। झुलसा तो कहने का मतलब अभी ठंड का मौसम है इसलिए ठंड में ही होता होगा झुलसा का रोग? नहीं, झुलसा जब जो है तापमान में बदलाव होता है, जैसे गर्मी रहती है, गर्मी से जैसे ही ठंड में कन्वर्ट होती है उस समय झुलसा और मड़ोरिया वो दोनों जो है उसी समय अटैक करते हैं। कहने का मतलब टेम्परेचर ऊपर नीचे जब होता है तो उस समय विशेष ध्यान देना पड़ता है। हाँ, इसीलिए तो जब ये आपको ये नहीं देखना है कि हमारे पौधे में रोग लगा है कि नहीं लगा है। जी जी, आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ है लेकिन आप पहले से ही सतर्क रहिए उसके लिए, आप उसमें जो है 10 दिन में हफ्ते में एक बार उसका नॉर्मली स्टेटमेंट आप करते रहिए ताकि वो उस प्रकार का कोई कीड़ा आपके पौधे में पहले से आएगा नहीं तो झुलसा या मलेरिया रोग आपका नहीं लगेगा। कहने का मतलब है आप समय से एकदम आप सचेत रहेंगे तो बिल्कुल, आप देखिए किसी भी पौधे में भैया के कोई लगभग हमको लग रहा लुटरापन दिख ही नहीं रहा है और लगभग आपका बता रहे हैं कि एक महीने से ज्यादा तोड़ते भी। हाँ हाँ, हम लगभग नवम्बर से इसकी पूरा नवंबर इसकी तोड़ाई हुई है और बढ़िया फ्रूटिंग था, बढ़िया जो है आपकी बार तो बढ़िया रेट। अभी तो हमको लग रहा है कि लगभग आधा ज्यादा ही बचा टूट। हाँ, आधा टूट गया है, आधा है, लेकिन इसमें क्या है ना, पता ही नहीं लगता कि कब से टूट रहा है, कब इसका फल है और कब से साइज इसकी बड़ी है। नीचे से तो टूट गया, ऊपर से देखिए पूरी तरह से, और साइज एक बीच में खासियत और भी लग रही है, जैसे आपका ये तोड़ने लायक हो गया है और ये आपका लगभग अब हफ्ता 10 दिन में पकेगा। हाँ, और खासियत ये है कि देखिए और छोटे भी इसी में तैयार हो रहे हैं आपके, अब छोटे देखिए और फ्रूटिंग भी आप फ्लावरिंग में आप देखिए अभी छोटे छोटे देखिए फल लग रहे हैं। जी जी, ये देखिए, जी जी ये देखिए, सब हर एक पौधे में आप देखिए छोटे छोटे फल भी लग रहे हैं पूरा। जी, ये देखिए यहाँ से जो है फल पकने के करीब है। जी, और इसमें फ्लावरिंग भी पकने के करीब है लेकिन लास्ट तक अभी फल इसमें लग ही रहा है। देखिए तो ये लगभग आपका अप्रैल तक चल जाएगा। हाँ, अप्रैल का मई चलेगा, क्योंकि अभी इसमें कल्ले भी देखिए कितना बढ़िया ये निकल रहा है। नहीं नहीं, पूरा मई कवर करेगा भैया, पूरा मई, अप्रैल तक नहीं, पूरी मई तक इसमें जो है ये कवर करेगा। बीच में जो यही नए कल्ले जो निकल रहे हैं उसमें भी देखिए फ्लावरिंग चालू हो रहा है। ये देखिए नीचे से एकदम, तो ये कहने का मतलब ये खत्म हो जाएगा तब कटिंग करेंगे कैसे? नहीं करेंगे? कटिंग कुछ नहीं करेंगे, इसी पे ये भी हो जाएगा। ये जो है जितनी भी टहनी है जो ऊंचे तक है, जो यहाँ तक की टहनी है, इसमें भी बिल्कुल हर गांठ में जो है कल्ले निकलेंगे। हाँ, कल्ले निकलेंगे चालू हो गए। तो हम कोशिश यही करते हैं कि कल्ले ज्यादा निकले तो उसमें हम छटाई करते हैं कि ज्यादा कल्ले ना निकले, जैसे 2-3-4 कल्ले ही इतना ही रहे। हाँ, उससे कम रहेगा तो फ्रूट जो है बड़ा रहेगा, अगर इसमें जो है टहनियां ज्यादा हो जाएंगी उसके फ्रूट जो है छोटे छोटे आएंगे। जी जी, विशेष ध्यान ये भी देने योग्य बात है कि आप अब बहुत ज्यादा कल्ले हैं तो बहुत ज्यादा मत रखिए, 2-3 जितना मतलब जगह पर्याप्त हो उसी हिसाब से। हाँ, उसी हिसाब से आप कल्ले रखिए, बहुत ज्यादा भी बिल्कुल झामड़ ना हो आपस में, बिल्कुल झामड़ वगैरह लगना लगे, हवा वगैरह पूरी तरह से दवा भी बराबर उसमें पड़े। हाँ, पूरी तरह से जो पत्ता भीगता रहे दवा डालने पर। जी जी, ताकि किसी प्रकार का रोग वगैरह ना आवे। तो इसमें दवा तो, लेकिन इसमें दवा का नाम आपने ही बताया कि जैसे झुलसा है या लुटरा है उसकी कुछ दवा स्पेशल कौन सी डालते हैं, कुछ है? देखिए ऐसा है ना, झुलसा और लुटरा, जी, इसके लिए आपको अगर शुरुआत से ही ध्यान देंगे जी जी, तो बहुत नॉर्मली अगर आप M45 जी जी या साफ जी कुछ भी फंगीसाइड, मतलब नॉर्मली फंगीसाइड से, नॉर्मल फंगीसाइड में आपको ज्यादा भी नहीं देना, नॉर्मल फंगीसाइड में उसमें जो है आप एक मिला लीजिए क्या कहते हैं जो 17% की होती है, एनपीके वगैरह में। हाँ, एनपीके वगैरह में आप डाल दीजिए, नहीं तो एडमायर डाल दीजिए आप। जी जी, एडमायर भी तो लुटरा और उस फंगस के लिए है, एडमायर है, जंप आप डाल दीजिए। यही सब डाल के आप स्प्रे करते रहिए, जब आपको
अगर आप इस शुरुआत से इसका स्प्रे करेंगे तो आप में किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा। जी, मतलब समय से बराबर अगर हफ्ता 10 दिन 15 दिन पे एक बार छिड़काव। हाँ बिल्कुल, आपका रोग नहीं आएगा। जी जी, विशेष है। और उसके बाद टेम्परेचर आपका मानसून, किसान मार तब खाता है जब वो देखता है कि मेरे पौधे स्वस्थ हैं। जी, अब बिल्कुल वो खुश रहता है। जी, लेकिन जब वो अटैक करता है ना, तब वो दवा डालता है तो उसको 3 गुना दवा जो है उसको डालना पड़ता है, लेकिन फिर भी पौधे पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होते। आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने हफ्ता 10 दिन पहले दवा डाला है तो ये मत देखो कि हमारे पौधे में रोग लगा है कि नहीं, आप उसका स्प्रे मतलब कर दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। आप एकदम शेड्यूल बनाइए कि हमको जो है हर 10 दिन में या हर हफ्ते, मान लीजिए आप रविवार को आपको इसका जो है स्प्रे करना है तो आप हर रविवार को नॉर्मली स्प्रे करिए। इसमें किसी प्रकार ज्यादा डोज की आवश्यकता नहीं, बहुत नॉर्मली स्प्रे आप करते रहिए, आपके खेत में किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप समय से देंगे तो आपका पहली बात तो रोग से बच जाएगा, और जब लग जाएगा तो आपका फिर ज्यादा नुकसान भी होगा, प्लस दवा भी आपकी ज्यादा लगेगी। दवा भी ज्यादा लगेगी, प्रोटीन भी तो कम होगी भाई, वो तो दोनों भी तो घट जाएगी, दोनों तरफ से आप मार खा जाएंगे। कम आप 40% पैदावार घटेगी। जी जी, क्योंकि जब आप उसका इलाज करेंगे तो जितने भी केमिकल्स डालेंगे वो केमिकल्स किसी ना किसी तरह से तो उसको इंसाइड करेगा ना। बिल्कुल, उसको तो नुकसान करेगा, रिएक्शन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक रोग को रोकने के लिए फल का नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए किसान भाई सतर्क रहें कि शुरुआत से ही वो अपना जो है व्यवस्था बना लेगी, हमको हर हफ्ते इसका ट्रीटमेंट करना है, चाहे रोग लगे या न लगे। ना लगे, दिखने के बाद तो नुकसान हो जाता है। देखिए अगर रोग दिखने लगा तो बिल्कुल, आज 1 में है, कल 3 में है, परसों 6 में, नर्सों जो है बिल्कुल वो प्लाट में आधे से ज्यादा, अगर ट्रीटमेंट आप नहीं कर पाए तो आपकी फसल टमाटर की नष्ट हो जाएगी। जहाँ तक है हमारा देखना है कि किसान भाई के टमाटर में ये बहुत अक्सर, कितने किसान तो लगा के बिल्कुल सफा हो जाते हैं, हमारे यहाँ टमाटर हुआ ही नहीं, होता ही नहीं है। पहले हमको भी यही था, हम टमाटर लगाते थे, जब लगाते थे लगा करके उसको हमने ट्रीटमेंट नहीं कर पाते थे, हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ टमाटर होता ही नहीं है, इसमें रोग है और लुटुरा लग जाता है, टमाटर होता ही नहीं है। एक साल देखा, 2 साल देखा, 3रे साल से जब इस पर हमने किसी किसान भाई से सलाह ली है, किसान हमको जब बताया कि आप इस प्रकार से करेंगे तो नहीं होगा, तो हमने 2 साल से तो पहले उसे नॉर्मली लगाया था, लेकिन फिर भी बढ़िया पैदावार थी। अब की बार जो है हमने इस प्रकार से लगाया है तो उससे हमको ज्यादा संतुष्टि इसमें है। इसकी फ्रूट सेटिंग और फल सब बिल्कुल एकदम साइज के हैं, नहीं अच्छे हैं, लगभग हमको लग रहा है 90 ग्राम 80 ग्राम इस प्रकार से फल है हमारे। एक पौधे से आपका लगभग 8 से 10 किलो के आसपास। हाँ हाँ, 8 से 10 किलो कम से कम अभी है, अभी है, लेकिन अभी बंद नहीं, अभी फल चल ही रहा है। जी जी, 1 महीने मतलब तोड़ लिए हैं, उसके बाद भी आपका लगभग 8 से 10। बीच में थोड़ा हाल्टिंग होगी, इसके बाद जो है मार्च से लगभग कंटिन्यू हो जाएगा, फिर से फल टूटना शुरू हो जाएगा, मार्च अप्रैल मई तक लगभग जाएगा। जी जी, कहने का मतलब लगभग ये दोनों का लेके लगभग एक पौधे से आपका 20-25 किलो। हाँ, 20-25 किलो आराम से, उसमें कहना गलत नहीं होगा ना। हाँ बिल्कुल नहीं, एक पौधे से आपका लगभग 20-25 किलो दो बार में लगभग ये मान। हाँ, दो बार में दे देगा। जैसे पहला शिफ्ट हो गया, इसके बाद अब मार्च से जब टूटना शुरू होगा, मार्च अप्रैल मई 3 महीने में फिर आपको जो है इतना ही फल मिलेगा। जी, तो बाद में जब जैसे गर्मी का मौसम आएगा तो उसमें भी कुछ दिक्कतें आती हैं, फिर वही टेम्परेचर फिर जो है बदलाव, सेम वही चीज आएगा, सेम वही चीज आएगा, अलग तो गर्मियों में अलग हो जाएगा या ठंडी में, सेम वही चीज आएगा, सेम वही चीज आएगा, लेकिन गर्मी जब ज्यादा पड़ने लगती है तो यही माइट की थोड़ा एक नई समस्या बढ़ जाती है कि माइट भी। यही चीज आपसे पूछना चाहते थे, आपने बताया है, जब गर्मी, किसान मित्रों जब गर्मी स्टार्ट होती है तो गर्मियों में ही माइट और मच्छर का प्रकोप ज्यादा होता है, ठंडियों में जैसे सुंडी है, ठंडी के बाद लुटरापन, सुंडी और लुटरापन, लेकिन ये भी टेम्परेचर के हिसाब से ही चलता है। जैसे जैसे अभी कोई लेट टमाटर लगाए हुए हैं, जैसे सितंबर अक्टूबर या नवंबर में टमाटर लगाए, देखिए उसमें जो है किसी प्रकार का रोग नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर का बदलाव होगा उसी हिसाब से इसमें रोग आना शुरू हो जाएगा। तो इधर जैसे आपका जब मार्च में, फरवरी मार्च में आपका जब माइट और मच्छर मतलब आपको दिखता है, उसके लिए कोई स्पेशल दवा वगैरह की इसी से कंट्रोल हो जाता है? इसी से कंट्रोल हो जाएगा, पहले से आप एक्टिव रहेंगे तो इसी से कंट्रोल होने का मतलब ये आपका महंगी दवा नहीं, एडमायर और जंप से ही हो जाएगा, साफ और आपका M45। हाँ बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन किसान अगर ज्यादातर ध्यान दे, कोशिश करें कि हर महीने महीने में एक बार नीम का तेल का प्रयोग जरूर करें। नीम ऑयल का? नीम ऑयल जी। किसान मित्रों अगर आप नीम ऑयल का शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं, भैया जी कह रहे हैं बीच बीच में आप ना दिखे फिर भी आप डालते रहिए, नुकसान तो है नहीं उससे? बिल्कुल, नीम ऑयल से किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, फायदा ही है। और नीम ऑयल का अगर जो है लोग बनाते हैं कि हमको नीम ऑयल डालना है, तो ये नीम ऑयल तब डालें कि जब अमावस्या जी जब आता है, उसको 1 दिन 2 दिन पहले, महीने में एक बार डालना है बस। हाँ,
अमावस्या का क्यों खास, कुछ खास ऐसा वजह क्या है? समय में कीड़े मकोड़े जो है उसी समय वो ज्यादा अंडे देते हैं। जी जी, ये विशेष बात आप शायद किसी के मुंह से नहीं सुने होंगे या किसी का एक्सपीरियंस शायद नहीं होगा। भैया का कहना है कि अमावस्या के एक दो दिन आगे पीछे आप नीम ऑयल का प्रयोग या और भी कोई कीटनाशक वगैरह है तो आप डाल दो। उस समय जिनकी अवस्था प्रेगनेंसी की होती है, मतलब अंडे देने की होती है, अंडे देते हैं, अंडे देने का समय होता है तो पहले ही अगर अंडे मर जाए। नीम ऑयल का मतलब होता है कि वो नीम ऑयल जो है कीड़े को नहीं मारता है जी, वो पूरे उसके अंडे को ही समाप्त कर देता है। मतलब वो बच्चे ही नहीं होने देगा तो आपके खेत में जो है कीड़े पैदा हैं। बच्चे होने का मतलब है फिर वो तो फिर अंडे दे के कहीं ना कहीं सुरक्षित कर देगा, बिल्कुल सुरक्षित कर, दिक्कत होगा फिर। ये तो नहीं है कि एक दो अंडे देते हैं जी, नहीं तो लाखों करोड़ों में करोड़ों अंडे देते हैं। इसके लिए उसके लिए सबसे बढ़िया सुटेबल है कि महीने में एक बार आप नीम ऑयल का प्रयोग जरूर करें जी। विशेष ध्यान दीजिए, ये आपका अमावस्या बोले थे, हाँ अमावस्या के आसपास में एक दिन एक दो दिन आगे या पीछे आप इसका स्प्रे जरूर करिए। उस मतलब ये इसका मतलब कहने का मतलब ये भी हो गया कि ये जो आपके मच्छर और वो सब है, मतलब अंडे जो दे रहे हैं कीटाणु, तो ये महीने में देते हैं? हाँ हर महीने, यानी कि मतलब यही हुआ ना। जैसे कीड़े अनेक प्रकार के होते हैं जी, जी। किसी का जो है जैसे टेम्परेचर बदलेगा उसी प्रकार से कीड़े जो है अटैक करेंगे जी, जी। तो इसमें जो लुटरापन आता है उसके भी, वो तो सूक्ष्म कीटाणु हैं, वो भी अंडे जो है महीने में एक बार ही देते हैं जी, जी, जी। और उसका बहुत ज्यादा फैलाव होता है। देखिए आज एक पेड़ में दिखाई दिया लेकिन कल वो दो में दिखाई देगा, परसों छह में दिखाई देगा, नर्सों जो है देखेंगे तो आधी फसल ही खत्म हो जाएगी। अब आप ध्यान दीजिए उसका ग्रोथ कितना तेज होता है, इसमें कितने ज्यादा कीड़े पैदा जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए एक बार जो है लागत भी तो नहीं है, नहीं लागत भी नहीं है, नुकसान सबसे बड़ी चीज है, नुकसान नहीं है, नुकसान फायदा ही है, 1% भी नुकसान नहीं है जी जी। नहीं बहुत अच्छा है, आपकी फसल भी आपने थोड़े बेस पे किया है लेकिन बहुत ही लाजवाब, एकदम कहने लायक ये नहीं है कि बिंदास नहीं है, एकदम बहुत अच्छा लगा। रोग भी नहीं है और फल भी देखिए, फल का साइज भी कितना अच्छा है, हर चीज है। तो टमाटर मतलब आप टमाटर पहली बार इस तरह से लगाए, तो टमाटर में पैदावार के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, लागत के हिसाब से और परेशानियों के हिसाब से फसल मतलब अच्छी लगती है करने में, कैसा क्या है? फसल अच्छी ही नहीं लगती, अगर हमारे किसान भाई टमाटर से अगर नहीं कमा पाएंगे तो हमको ये लगता है कि और किसी से इतना ज़्यादा इनकम नहीं हो पाएगी। अगर आपका रेट भी अगर मतलब कहने का मतलब एकदम नॉर्मली हो रेट, तो अगर आपका जैसे आप कह रहे हैं कि हम नवंबर से बेच रहे हैं, अगर 10 रुपए किलो आपका रेट मिल जाए फिर भी टमाटर में बहुत अच्छा पैसा है जी जी। तो अगर आपका स्टार्टिंग जैसे आप भैया नवंबर से निकल रहा है भैया का टमाटर या दिसंबर से, तो उसके बाद लगभग अप्रैल मई तक आपका जाएगा ये, अप्रैल मई तक जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू आपका रेट गिरा ही रहेगा ना, कभी आपका 10 मिलेगा, कभी 30-40 भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, बिल्कुल। अब आपकी साल रिजन आपका लगभग 15 से 20 रुपए का आपका लगभग मिल जाएगा, मिल जाएगा, कम ही मिलेगा, 10 के रेट मिलेगा तब भी हमारा नुकसान नहीं है जी जी। 10 भी है तो आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि उसमें खर्च भी तो नहीं है, खर्च भी नहीं है जी जी। टमाटर और जो खर्च भी है उसके हिसाब से पैदावार बहुत ज्यादा है जी जी। अब एक पौधे में अगर 20 किलो 15 किलो 25 किलो आप फल तोड़ रहे हैं, अगर पर पौधे आपको 10 रुपए के हिसाब से 200 रुपए मिल रहा है जी जी। अगर 1000 पौधे आप लगाए हैं जी, काउंट कर लीजिए, बहुत अच्छा है, कर लीजिए, अच्छा लागत भी तो नहीं है ज्यादा, लागत भी तो नहीं है, लागत हमको लग रहा है अगर पूरा देखा जाए तो 5 रुपए ज्यादा खर्च नहीं आता होगा, नहीं इससे ज्यादा नहीं आता होगा। जाल वगैरह तो आपको मान लो फिर लगा लेंगे 10 रुपए आप पकड़ के चलिए, हाँ बिल्कुल, पूरा टोटल खर्चा लगभग 10 रुपए, 10 रुपए आप पकड़ के चलिए। देखिए अपने स्टेटमेंट अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना खर्चा करेंगे जी, जी। किसान कहाँ से परेशान है, वो मार्केट में जाएंगे दवा लाएंगे, दवा काम नहीं करेगी, फिर दोबारा जाएंगे फिर से दवा लाएंगे, वो भी दवा काम नहीं करेगी, फिर तिवारा लाएंगे, इसीलिए किसान टूटता है जी जी। कहने का मतलब यह है कि कोई भी आप फसल लगाइए, थोड़ा बहुत जानकारी रखना बहुत जरूरी है, उसके बारे में आप जानेंगे तो समय समय से आप करेंगे तो आपको प्लस फायदा हो जाएगा, अगर जानकारी नहीं है तो आप फिर दूसरे से पूछने के चक्कर में तो आपके फसल तब तक चल। हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब एक बार जो है केमिकल से ही बंद कर दिया जाए जी जी, अब ज्यादातर ऑर्गेनिक खेती पर जो है जी जी हम लोग आ रहे हैं जी जी, और ऑर्गेनिक विषय में भी अच्छी जानकारी प्राप्त किए हैं, बहुत सारे हमारे किसान हैं जी जी मित्र, वो भी बता रहे हैं, और कृषि विभाग से भी हम लोगों को अच्छी जानकारी दी जा रही है कि आपको ऑर्गेनिक खेती में अब हर प्रकार से आपको हलना पड़ेगा। नहीं नहीं अच्छी बात है, ऑर्गेनिक बहुत अच्छा है, रासायनिक तो नुकसान ही है, हम आप स्प्रे करते हैं खा रहे हैं तो कुल मतलब जहर ही समझिए आप, बिल्कुल बिल्कुल जहर है, और कॉस्टली भी, खर्च भी ज्यादा पड़ता है, ज्यादा है, और ऑर्गेनिक से बिल्कुल खर्च नहीं आएगा जी जी, हर चीज अपने अपने यहाँ उपलब्ध होगा
जी अपने आप स्वयं बनाएंगे, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, जानकारी रखनी पड़ेगी, जानकारी एक बार हो जाएगी। आप केवल स्टार्ट करने की जरूरत है, जानकारी तो करते रहेंगे तो शायद हो ही जाए। भाई ऑर्गेनिक में थोड़ा मेहनत है, आदमी को देख रेख करना पड़ता है, केमिकल्स में बाजार से चले गए लेके आए छिड़काव करके अपना फिर निकल लिए। ऑर्गेनिक में क्या है, हमको तैयार करना पड़ेगा जी जी, लेकिन खर्च मेरा एक भी नहीं लगेगा, जो लगेगा केवल मेहनत जी जी। और मेहनत किसान अगर मेहनत नहीं करेगा, मेहनत से तो हटेगा नहीं, वो तो किसान करेगा ही करेगा। तो किसान तो कुल मिला के पैसे से मार खा जाता है, मेहनत से तो कभी नहीं मार खाता। बिल्कुल, मेहनत से नहीं मार खाता है, पैसे से मार खाता है। किसान तब मार खाता है जब ध्यान नहीं देता अपनी फसल पर। जी जी। अगर शुरुआत से वो ध्यान दे तो उसके फसल में किसी प्रकार के कीट किसी प्रकार के रोग नहीं है। तो टमाटर लगाने के लिए किसानों को कुछ राय सलाह देंगे कि करना चाहिए इसकी खेती? तो यही कहेंगे कि अगर किसान भाई खेती करते हैं कुल मिला के, हाँ, जिसके पास जैसे भी खेत अवेलेबल है, हमारे यहाँ तो बड़े किसान है नहीं, सब 10 बिस्सा 1 बीघा 1.5 बीघा वाले किसान है, लेकिन हम उनसे यही कहेंगे कि अगर वो सब्जी की खेती करते हैं तो पहले 1 बिस्सा ही करके देखें। जी जी। अब अगर हमारे क्षेत्र के हैं तो हम हमसे अगर संपर्क करेंगे तो हमको उनको 1 बिस्सा टमाटर लगाने के लिए हम प्रेरित करेंगे और उनको पूरी तरह से बताएंगे ये भी कि आपको किस प्रकार से करना है ताकि आपके खेत में किसी प्रकार का रोग ना हो। जी जी। तो आप अपना एक बार नंबर बोल दीजिए, मान लो कोई भी किसान आपसे कुछ राय मशविरा लेना चाहता है। 9721-88-25-14 ये भैया का नंबर है, भैया का नाम राधेश्याम पटेल है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और विशेष ध्यान ये दीजिएगा कि फोन एक बार लगाइए, आप बार बार मत लगाइए, क्योंकि किसान आदमी है, मंडी आना जाना थोड़ा रहता है, भैया बाद में आपसे संपर्क कर लेंगे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय जवान जय किसान।